नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आज सभी स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी गुरुजन हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और आज का अपना जो शिक्षक दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज की जो अपनी क्लास है बेस्ट होने वाली है। और सभी स्टूडेंट्स को मैं तो यही चाहूँगा, जो भी मेरी क्लास देखता है या मुझे जो फॉलो करता है खासतौर से, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी रेगुलर अपनी मेहनत है वो जारी रखिए और आप लोग भी एक बार ज़रूर अपने स्कूल को ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करने के बाद में आप खुशी के साथ में आप मेरे से मिलने भी आओगे और मुझे इंटरव्यू देने भी आओगे। उम्मीद इसी उम्मीद के साथ में आज की अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं आप अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 20, आज पहली चीज़ तो ये कि आज का जो पेपर है RPSC जो 2011 के अंदर जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसका सॉल्यूशन पार्ट 02। इससे पहले पार्ट अपने एक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 20 क्वेश्चन अपने लास्ट में सॉल्व किए थे। यहां पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। 21 में देखो, किस में बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं रहता, ठीक है ना। कौन सा ओव्यूल जो है जो ओवरी से ढका हुआ नहीं होता है, तो अपन जानते हैं कि नेक्ड जो ओव्यूल होता है, ये जो टर्म आता है नेक्ड ओव्यूल या नग्न जो बीजांड जो होता है वो किसमें होता है, तो अपन सभी जानते हैं कि ये जिम्नों का एक विशेष लक्षण है, ठीक है ना। किसका है? जिम्नों का। जिम्नों के कुछ टर्म्स जो अब आई गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जिम्नों में क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि नेक्ड ओव्यूल पाया ही जाता है, इसलिए इसमें जिम्नों के अंदर फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। दूसरी चीज़ देखोगे आप कि जो ओव्यूल होता है इनका, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जनरली आप देखोगे तो जो एंडोस्पर्म होता है एंडोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म में देखोगे तो निषेचन के बाद में बनता है। और कैसा होता है? ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है और आफ्टर निषेचन बनता है, निषेचन के पश्चात। लेकिन जिम्नोस्पर्म में थोड़ा उल्टा है, निषेचन से पहले बनेगा, निषेचन से पहले बनेगा। और निषेचन से पहले बनेगा तो सीधी सी बात है फीमेल गेमेटोफाइट से बनेगा। तो इसका मतलब एंडोस्पर्म जो होता है कैसा होता है? हैप्लोइड होगा जिम्नों में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया है। कई बार पूछा जाता है एंडोस्पर्म किस प्रकार का होता है, तो आप कहोगे एंडो गेमेटोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक होता है, हैप्लोइड होता है, निषेचन से पहले बनता है, ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये ओव्यूल है जिसके ऊपर ओवरी नहीं पाई जाती है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं सीड बनता है लेकिन उसके ऊपर फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 22, साइलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस के बारे में कुछ लक्षण। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक वाइट पेज लेने की कोशिश करता हूँ। बाइल जूस, बाइल जूस क्या होता है? सबसे पहले तो देखो बाइल जूस जो है वो किसको डाइजेशन करने के लिए रिलीज किया जाता है, तो खास तौर से जब भी आप फैटी फूड खाते हो, लिपिड वाले फूड जो भी आप भोजन करते हो आप खास तौर से, उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज किया जाता है बाइल जूस, ठीक है ना। बाइल जूस है वो कब रिलीज किया जाता है? जब आप फैटी फूड खाते हो उस टाइम के ऊपर। तो बाइल जूस का सबसे पहले तो अपन देखेंगे सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे लीवर में होता है। दूसरी चीज देखोगे कंपोजिशन, कंपोजिशन किसका बना होता है, क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर एंजाइम एब्सेंट होता है। सबसे बड़ी बात है इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है,
एंजाइम नहीं पाया जाता, है ना। एंजाइम रहित होता है लेकिन डाइजेशन के लिए काम आता है। तो इसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है बाइल साल्ट होता है। दूसरा अगर अपन देखेंगे फॉस्फो लिपिड का कंपोजिशन पाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे खास तौर से हाँ बिलिरुबिन। इसके अलावा बाई, यहां पर अपन कह सकते हो बाई लिबर्डीन के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर हो गया कि इसमें बाइल साल्ट पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और पिगमेंट के रूप में यहां पर बाइलिबर्डीन होता है या फिर बाई वायरिडीन होता है ना, बाई लिबर्डीन। तो यहां पे आ गया बाई लिबर्डीन भी आ गया और बाई यहां पर कह सकते हो बाई लिरुबिन, है ना, यहां पर कह सकते हो जो भी टर्म है इसका। इसमें अगर अपन कलर देखेंगे लगभग इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो और ग्रीन जो कलर होता है वो लिए होता है, खास तौर से जो हल्का सा कैसा होता है ग्रीनिश टाइप जो कलर होता है उस टाइप का सा दिखाई देता है, ठीक है। सिंथेसिस कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आप कहोगे लीवर के अंदर। अभी ये जो कंपोजिशन है वो कहाँ पे है, अभी लीवर के अंदर बना है, कहाँ बना है लीवर के अंदर। अब आप देखोगे इसका स्टोरेज कि इसको स्टोरेज कहाँ किया जाएगा, सिंथेसिस करने के बाद में इसे कहाँ भेजा जाएगा, तो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज किया जाएगा। लीवर में सिंथेसिस किया गया है, भेजा गया है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जो है उसकी जो डक्ट है इससे एक डक्ट निकलती है बाइल डक्ट। ये जो बाइल डक्ट है वो कहाँ पे खुलेगी, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। स्टोरेज कब होगा, जैसे ही आपने जो कौन सा खास तौर से फूड, कौन सा फूड खाया आपने, ऑयली, यहाँ पे आप देखोगे फैटी या कोई भी लिपिड से बना कोई भी फूड अगर आप खाते हो, खाते ही आपके क्या होता है गॉल ब्लैडर को ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है, सिग्नल देता है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता है, इनमें क्या होगा संकुचन होगा। संकुचन होते ही इसके ऊपर दबाव लगेगा गॉल ब्लैडर के ऊपर और वो क्या रिलीज कर देगा, बाइल डक्ट के अंदर बाइल जूस जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब अपन ये देखेंगे कि बाइल डक्ट जो है वो खुलेगी कहाँ पे, तो ये कहाँ पे खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट और स्टमक से नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर खुलेगी यहां से, ये वाला, ये क्या है, यहां पे आप देखोगे ये वाला क्या है, तो गॉल ब्लैडर है ये और ये बाइल डक्ट है और कहां पे खुली है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इस जो पार्ट को अपन क्या कहेंगे ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम पार्ट के अंदर इसको रिलीज किया जाता है, रिलीज करते ही यह क्या करता है, लार्ज फैटी एसिड जो होते हैं, लार्ज फैटी एसिड कह सकते हो, फैट कह सकते हो, फैट कह सकते हो, फैट को क्या करते हैं ये तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन, उनको तोड़ने का काम करता है। और सिंपल जो फैट है या फिर फैटी एसिड है
उनको सिंपल तोड़ के और उसको इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए यूज में आता है। इसका मतलब फैटी एसिड जब भी आप खाते हो, फूड ऐसा कोई भी खाते हो, तो उस टाइम पे रिलीज किया जाता है बाइल जूस, जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका टर्म रहेगा। और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए इमल्सिफाई, इमल्सिफाई करने के लिए कई बार टर्म आता है इमल्सिफिकेशन, है ना, फैटी एसिड का या लिपिड का इमल्सिफाई करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज किया जाता है बाइल जूस या बाइल साल्ट। कहाँ पे रिलीज किया जाता है, ड्यूडेनम किया जाता है। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे गॉल ब्लैडर के द्वारा। सिक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, है ना। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, सिंथेसिस भी आता है और सिक्रेटेड भी आता है। सिक्रेटेड किसके द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है, तो लीवर के द्वारा किया जाता है। बस स्टोरेज जो है इसका, वो कहाँ पे किया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इसको स्टोरेज किया जाता है। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो किसके है, बाइल जूस से रिलेटेड स्टोरी है। खास तौर से आपके जो फैटी एसिड का जो फूड है, है ना, खासतौर से फैटी फूड है, उसको डाइजेशन करने के लिए, उसका इमल्सिफिकेशन करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको रियली मतलब इजी वे के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि ये बड़ी फैटी एसिड है, उसको तोड़ देगा, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ देगा फैट को, और तोड़ने के बाद में इनके ऊपर जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो आके इनके ऊपर वर्क करेगा और वो फैटी एसिड को तोड़ देगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब है वो कर लिया जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद में जो काम करेगा वो कौन सा करेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो फंक्शन करता है। तो ये आपका होता है बाइल जूस। आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे इसमें देखो क्या पूछा था, साइलेंट फीचर ऑफ द बाइल जूस, इट इज ए विदाउट एंजाइम, ये तो सही है पहला सेंटेंस। तो इट इज ए ट्रिप्सिन, नहीं। इट इज एसिडिक इन नेचर, नहीं। इट हैज लाइपेज, ये भी नहीं है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, इट इज ए विदाउट एंजाइम, इसमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन, पोडोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं पोडोसाइट सेल के बारे में। पोडोसाइट सेल्स, देखो पोडोसाइट सेल्स सबसे पहले अपन देखते हैं, किडनी में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। किडनी के अंदर कहां पाई जाती है, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन जो होते हैं नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है। आगे आप देखोगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में अगर आप पार्ट देखोगे नेफ्रॉन का, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पे आप देखोगे, अपन ऐसे बना देते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं, इस प्रकार का जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोमन कैप्सूल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। बोमन कैप्सूल के अंदर दो प्रकार की जो आर्ट्रियोल है वो आती है, क्या आती है, दो प्रकार की आर्ट्रियोल आती है। यहाँ पे देखो, एक इस प्रकार से आती है, और यहाँ से निकल जाती है, इस प्रकार की। एक ऐसा होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वो आता है, और एक ऐसा होता है जिसके अंदर ब्लड वापस निकल जाता है। इसका मतलब दो आर्टरियोल जो है, आने वाली जो है उसको अपन क्या बोलेंगे,
अ फ्रेंड आट्रियोल, और यहाँ पे इसको बोलेंगे ए फ्रेंड एट्रियोल या आट्रियोल, आट्रियोल बोलते हैं इसको, ठीक है। आने वाली के अंदर एफरेंट और जाने वाले के अंदर इफरेंट, यहाँ इसमें जो ब्लड है वो आता है यहाँ तक, ठीक है ना, इसमें भी यहाँ से ब्लड जो है वो निकल के जाता है। अब किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरीफाई करना, तो इसका मतलब जब इसको प्यूरीफाई करेगी तो इसको प्यूरीफाई करने के लिए यहाँ पर फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ इसके साइड में क्या लगे होते हैं, कुछ फिल्टर लगे होते हैं विशेष प्रकार के, यहाँ पर आप देखोगे कुछ विशेष प्रकार के जो फिल्टर हैं वो लगे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखोगे इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर चारों तरफ से एक सेल्स का आवरण पाया जाता है, इस प्रकार से ये सेल्स का आवरण है। ये जो सेल्स का आवरण होता है इसे क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। इसे कई बार जो है विसरल एपिथेलियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, विसरल एपिथेलियल सेल्स, विसरल एपिथेलियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका काम क्या है, ये जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर जो भी पार्टिकल्स यहां से जा रहा है, ठीक है ना, यहां से इसमें जो भी जा रहा है कंपोनेंट, उनके अंदर से ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह को छोड़कर ब्लड को क्या किया जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको यहां से फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये पोडोसाइट सेल्स जो होती है वो किसके रूप में काम कर रही है, फिल्टर के रूप में, फिल्टर सेल के रूप में काम करती है, जिसके अंदर ब्लड जो प्लाज्मा है या फिर आप कह सकते हैं ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनको वापस भेज दिया जाता है ब्लड के साथ में, और इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, यूरिन से संबंधित, यूरिया से संबंधित, उन सबको आगे की तरफ पहुँचा दिया जाता है, या फिर नॉर्मल जो शुगर है वाटर है वो पूरा कंपोनेंट आगे चला जाता है। लेकिन इसको कौन फिल्टर नहीं कर पाता है, इसके अंदर से ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है वो फिल्टर नहीं हो पाती, वो वापस चली जाती है। तो इस प्रकार का जो कंपोनेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। यह आवरण इसके ऊपर पाया जाता है और ये फिल्टर जो है वो पोडोसाइट सेल्स जो है फिल्टर का रूप में काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गए, इसको बोमन कैप्सूल्स बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर बोलते हैं इसको, ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर सेल्स, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। ग्लोमेरुलर सेल के अंदर जो फिल्टर सेल लगी होती है उन फिल्टर सेल्स को क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल बोलते हैं या विसरल एपिथेलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो काम आता है किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, और सबसे ऊपर वाला जो हेड वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है बोमन कैप्सूल के अंदर। बोमन कैप्सूल के अंदर देखोगे तो ग्लोमेरुलर जो सेल्स है उसका पार्ट है, उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है, उन फिल्टर सेल्स को क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल कहते हैं, जो विसरल एपिथेलियल सेल्स के नाम से भी जानी जाती है। तो ये इसका कुछ विशेष एक्सप्लेनेशन था, आगे अपन चलते हैं। समझ में आ गया होगा वैसे तो सबको, कॉमन चीज़ें हैं जो कोशिश की है मैंने बताने की आप लोगों को, फिर भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, न्यूमेटो या न्यूमोटॉक्सिक कह सकते हैं, न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर है इज प्रेजेंट इन, न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि ये जो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो ब्रेन वाला पार्ट होता है इस प्रकार से, तो ब्रेन वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं अपन, पोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। पोन्स के अंदर सेंटर पाए जाते हैं,
इस प्रकार से ये जो सेंटर होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के नाम से जानते हैं, जो खास तौर से जो आपकी ब्रीथिंग है, आपकी जो श्वसन दर है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रण के साथ साथ में आपकी जो लंग्स है उसको एक्सपांड होने से भी रोकता है, उसको एक्सपांशन को कंट्रोल करता है, ये कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो लंग्स के एक्सपांड होने से और श्वसन दर को रेगुलेट करने, श्वसन दर और यह कह सकते हैं अपन इंस्पायरेटरी जो रेस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेटरी जो सांस आप अंदर लेते हो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है, जो ब्रेन के पोन्स वाले पार्ट में पाया जाता है। तो आपके श्वसन दर ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, पोन्स के अंदर पाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा पोन्स, इसमें दिया हुआ सेरिब्रम है, नहीं पोन्स आएगा ना। आगे अपन देखेंगे, एक क्वेश्चन यह आया है 25 नंबर, स्टील इंक्लूड्स, स्टील में क्या क्या शामिल होता है। स्टील टर्म जो है वो जहां भी आता है, स्तंभ है ना, स्टील जो टर्म है वो कहां पे यूज में लिया गया है, खास तौर से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा जो मेंबर है, टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है उसके अंदर खास तौर से यूज में लिया गया है। और स्टील के अंदर जब भी आप देखोगे जो पार्ट होता है सबसे सेंटर के अंदर, तो पिथ पाया जाता है, पित्त को भी शामिल किया जाता है, पित्त के चारों तरफ जो है वेस्कुलर जो बंडल होते हैं है ना, वो भी पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। तो पित्त और जाइलम और फ्लोएम सबको शामिल करके क्या बनाया जाता है, स्टील कहा जाता है। तो इसमें खास तौर से देखोगे पित्त एंड वेस्कुलर बंडल, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पित्त एंड एपिडर्म एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस पित्त एंड पेरिसाइकिल नहीं, वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड होता है, वेस्कुलर बंडल है साथ में उसके पिथ सेंटर में है, बस यही इसका है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आप देखोगे यहां पे, देखो 26 में द प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ एंड गोट, ठीक है ना, गायों और बकरियों के अंदर कौन सा प्लेसेंटा का प्रकार पाया जाता है, गाय तथा बकरी में पाया जाने वाला अपरा है, अपरा का मतलब प्लेसेंटा है, कौन सा प्लेसेंटा होता है, कोटिलिडनरी जो प्लेसेंटा होता है वो किस में पाया जाता है, खास तौर से जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, रोमिनेंट्स का मतलब यहां पर सिप, सिप के अलावा काय काउ और मतलब जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है उन सब के अंदर जो है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। कोटिलिडनरी प्लेसेंटा होता क्या है कि जो कोरोन, ये अपन कह सकते हैं जैसे कोरियोनिक जो विलाई होती है, जैसे मान लो कि यूट्रस है और यहां पे जो है उभार निकलते हैं किसके ऊपर, जो अपन ये कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक मास सेल होता है, ब्लास्टोमियर सेल्स होते हैं, ब्लास्टोमियर के ऊपर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं। ट्रोपोप्लास्ट से कुछ उभार निकलते हैं, उस उभार को क्या कहते हैं अपन, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। कोरियोनिक विलाई जो है ये किसके साथ में मिक्स होता है, जो एंडोमेट्रियम है उनके साथ में मिक्स होता है इस प्रकार से, और यहां पर क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, बन गया प्लेसेंटा, इसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा में आप देखोगे तो प्लेसेंटा से कुछ इस प्रकार के उभार निकलते हैं, इस प्रकार के उभार निकलते हैं है ना, कोटिलिडन्स निकलती है, क्या कहते हैं, कोटिलिडन्स कहते हैं, जो इसको घेर के रखते हैं कोटिलिडन्स को। तो ये जो कोटिलिडन्स जैसी स्ट्रक्चर है, प्लांट्स में जो कोटिलिडन पाए जाते हैं ना, बीज पत्र, पत्र जैसी स्ट्रक्चर इस प्रकार के पाए जाते हैं, काफी संख्या के अंदर होती है ये। तो ये क्या करती है, कोरियोन को चारों तरफ से घेर लेती है, इसका मतलब कोरियोन विलाई की आउटग्रोथ से बनने वाली एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या कहते हैं, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा कहते हैं। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है जिनके अंदर कोटिलिडन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं,
कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा, यहाँ पर आप बीज पत्रीय कह सकते हो ना, बीज के जो पत्र होते हैं, अपन जैसे सीड को आप जर्मिनेट करोगे तो जर्मिनेट करते ही कैसी स्ट्रक्चर आती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है, तो ये क्या कहलाते हैं, बीज पत्र कहलाते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर इसमें बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बीज पत्रीय अपरा कहते हैं। किसमें पाया जाता है, खासतौर से गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह जो है उनमें पाया जाता है। इनकी संख्या भी कुछ होती है शायद 125 से कुछ ऐसे कुछ आसपास है, है ना, 72 से 125 के आसपास पाई जाती है। भेड़ जो है, भेड़ बकरी जो भी है, गाय, इन सब में कितनी पाई जाती है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे 72 से 125 के आसपास पाई जाती है, 72 से 125 के आसपास। और डियर के अंदर आप देखोगे तो 4 से 6 के आस पाए जाते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के होते हैं इसलिए कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। जोनोरी प्लेसेंटा अगर आप देखोगे किस में पाया जाता है, तो खास तौर से जोनोरी जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है जितने भी जो कार्निवोर्स होते हैं, है ना, मांसाहारी जितने भी जो होते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस के अंदर पाया जाता है, जैसे डॉग है, कैट है, कैट के साथ में डियर में भी पाया जाता है, बियर में, मतलब बियर में भी पाया जाता है, यहाँ पे बियर में पाया जाता है जोरनरी, ठीक है ना। एक इसमें एलिफेंट में भी पाया जाता है भाई, ये किसमें पाया जाता है, एलिफेंट में, एलिफेंट के अंदर भी देखने को मिलता है, एलिफेंट है, बियर है, कैट है, डॉग है, कार्निवोर्स जितने भी है खास तौर से उनमें सब में पाया जाता है। ये जो है ओमनीवोर्स है, फिर भी इसमें भी पाया जाता है। योक सैक जो है प्लेसेंटा, ये भी किससे बनता है, कोरियोनिक जो विलाई होता है इसके अंदर छोटी सी एक ग्रोथ पाई जाती है इस प्रकार से, जो मोस्टली सब में पाई जाती है, जो बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए काम आता है, ये छोटी सी जो सैक थैली जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, योक सैक प्लेसेंटा कहते हैं, जो मोस्टली लगभग सब में पाया जाता है। तो ये इसके टाइप थे। इसमें पूछा है द प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट, तो सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा कॉटिलेडनरी प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टूडेंट्स जो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये जरूर, मैंने जो एग्जाम्पल लिखाया है वो एग्जाम्पल लिख लेना विशेष तौर से, कि कौन सा प्लेसेंटा किस में पाया जाता है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आरपीएससी के अंदर और पूछा जाएगा आपको, 100% आप देख लेना, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, जो भी मैंने बताए हैं खास तौर से इनका जो सॉल्यूशन है उनसे, जो भी टर्म्स मैंने लिखे हैं वो पूरे टर्म्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि आप इतने ढूंढने बैठोगे इससे बढ़िया मैंने पूरा लिखवाई दिया एक साथ ही आपको, ताकि आप लोगों को सभी को बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल्स, है ना, रेप्टाइल जैसा दिखने वाला जो मैमल है वो कैसा है, तो यहाँ पे देखो कि किसको सरीसृपनुमा स्तनधारी कहते हैं। ये वैसे कनेक्टिव लिंक है, एक संयोजी कड़ी है किसके बीच की, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में। अभी मैंने कुछ नोट्स है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो खास तौर से सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट के हैं, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन ऐसे हैं कि जो टॉपिक मुझे लगे हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, जिनमें से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें से आपके जितने भी कनेक्टिव लिंक हैं जिनमें से आज तक क्वेश्चन पूछे गए, सभी कनेक्टिव लिंक की जो लिस्ट है वो लगभग मैंने बना ली है, तो वो भी मैंने उसमें ऐड किया है, तो वो बुक जो है जल्दी करें कोशिश करेंगे, तो ये सभी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की है, ठीक है ना। रेप्टाइल लाइक जो मैमल्स होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनी आंट बोलते हैं, है ना, चीटीखोर, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी है ना, हाँ, महाकाय चीटी खोर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये कैसा होता है, जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली कुछ इस प्रकार का जो होता है, इस प्रकार से चलते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, पूरे पे कांटे होते हैं, सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, उसे क्या कहते हैं, चीटी खोर कहते हैं। और ये कैसा है, एक एग्जाम्पल है जो मैमल्स का करेक्टर भी रखता है और कैसा है, रेप्टाइल का लक्षण भी रखता है, इसे कहते हैं स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है ना। स्पाइनी आंट ईटर के बारे में शायद मैंने उसमें तो पूरा लिखा है, आपके नोट्स जो हैं उसमें तो पूरी चीज़ें मैंने लिखने की कोशिश की है, फिर भी आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे इसको किस नाम से जाना जाता है, तो एकाइडनस के नाम से जाना जाता है, इकाइडनस के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से भी पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है, इसे मोनो
ट्रेम के नाम से जाना जाता है, मोनो ट्रेम के नाम से जाना जाता है। ये जो टर्म है वो सभी लिख लेना भाई, ठीक है ना, जिसको नहीं याद है वो लिख लेना। इसी के साथ साथ में इसे टैकीग्लोसाइडी भी कहते हैं। और जब भी आपको अगर ऐसा एग्जांपल मिल जाए, टैकीग्लोसाइडी मिल जाए, मोनो ट्रेमी मिल जाए, एकाइडनस मिल जाए, और आपको पूछा जाए कि ये किस प्रकार के संयोजी कड़ी है, तो भी आपको याद रखना है कि ये रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की एक संयोजी कड़ी है, जिसका उपनाम जो है वो स्पाइनी आंट ईटर के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसे चीटी खोर के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 28 में देखोगे द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का जो पिथ है, पिथ वाला जो पार्ट होता है, मेड अप बाय किसका बना होता है, तो सीधा सा है, सबसे सिंपल जो कोशिका होता है पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, पतली भित्तिकाओं कोशिकाओं से बनी होती है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेटेड, ठीक है ना। ऑक्जेंटिक सेल जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट की जाती है, तो पेरेंटल जो सेल है, ऑक्जेंटिक सेल को ही अपन क्या कहते हैं, पेरेंटल सेल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे है स्टोमक, स्टोमक को आमाशय के नाम से जानते हैं। आमाशय का सबसे ऊपरी जो भाग है, खास तौर से ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आमाशय का, ठीक है ना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, तो स्टमक की ऑक्जेंटिक जो सेल होती है ये कहलाती है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, कई बार इसी को पैरिटल सेल भी कहते हैं, पैरिटल सेल के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्टोमक की जो बॉडी है, ऊपर वाला जो बॉडी वाला पार्ट है या फिर फंडस वाला जो पार्ट है उसके अंदर पाई जाती है, और ये जो सेल्स होती है, पेरिटल सेल्स जो होती है या फिर अपन कह सकते हैं ऑक्जेंटिक सेल जो होती है, वो पार्ट किसका होता है या सेल्स पाई किस में जाती है, तो अपन कहेंगे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, ये जो होती है वो क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो किस में पाई जाती है, खास तौर से जो बॉडी पार्ट है और फंडस जो पार्ट है स्टमक का, उसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, ऑक्जेंटिक सेल होती है। ऑक्जेंटिक सेल को ही अपन क्या कहते हैं, पैरिटल सेल कहते हैं। पैरिटल सेल या ऑक्जेंटिक जो सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है, उनके द्वारा दो प्रकार के जो हार्मोन है, दो प्रकार की चीजें जो है वो रिलीज की जाती है। एक तो रिलीज की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड अपनी बॉडी में बनता है। सेकंड अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो सेकंड जो बनता है वो कौन सा बनता है, यहां पर इंट्रेंसिक जो फैक्टर है, इंट्रेंसिक फैक्टर है, वो रिलीज किया जाता है ये फूड को डाइजेस्टिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए प्रोटीन्स को खास तौर से। और इंट्रेंसिक फैक्टर जो होती है, ये तो देखो एसिड होता है, वैसे भी आपको सबको पता है HCl होता है, ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये क्या करती है, इंटेस्टाइन के अंदर खास तौर से विटामिन B12 के अवशोषण, सहायक क्या करती है,
सहायता करती है। तो विटामिन बी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको करने के लिए कौन सा है, इंट्रेंसिक फैक्टर है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो है ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑक्सेंटिक सेल किसका पार्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसमें पाए जाते हैं, स्टमक में। स्टमक में कहाँ पाए जाती है, तो बॉडी और फंडस में पाई जाती है। इसी का दूसरा नाम जो होता है पेरेंटल सेल होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार जो है वो ऑक्सेंटिक सेल के नाम से पूछा जाता है, कई बार इसको पेरेंटल सेल्स के नाम पूछ लिया जाता है, कई बार इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के रूप में पूछ लिया जाता है, कई बार इंट्रेंसिक फैक्टर के रूप में पूछ लिया जाता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको ये जो पोर्शन है पूरा आपको याद होना चाहिए ताकि आप लोगों को इजी वे के अंदर समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पे, देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब है ब्लड क्लोटिंग से रोकना, ब्लड क्लोटिंग को रोकना। ब्लड क्लोटिंग को कोई भी फैक्टर अगर रोकता है तो वो सभी क्या कहलाते हैं, एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स के में से पूछा है इनमें से एंटीकोगुलेंट्स कौन से हैं, तो आपको क्या रखना है, एक तो हिपेरिन है जो सभी को जानते हैं कि सभी क्या है, ये तो एंटीकोगुलेंट है वैसे भी, जो नॉर्मली अपन देखते हैं किसमें यूज में आता है, आपके जो भी ब्लड वगैरह ऑपरेशन किया जाता है तो उस टाइम पे ब्लड निकलता है, वो ज़्यादा क्लोटिंग ना हो उस चीज़ के लिए वहाँ पे यूज में लिया जाता है, हिपेरिन है। और एक है हीरोडीन, ये भी क्या है, एंटीकोगुलेंट है। यहाँ पे आप देखोगे हिस्टामाइन, हिस्टामाइन नहीं है, हिस्टामाइन तो एक ऐसा अपन इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर जो आपकी एलर्जेनिक जो बनती है आपकी बॉडी के अंदर, सपोज कोई एलर्जी बनती है, एलर्जी बनती है आपकी बॉडी में, खासतौर से कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या स्पोर हो सकते हैं कोई भी कणों के कारण से, तो उस टाइम पे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो खासतौर से दो कोशिकाएं, एक तो मास्ट सेल और एक होती है बेसोफिल सेल, ठीक है ना, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल जो है वो दोनों एक्टिव होती हैं। और दोनों जो सेल्स है वो कब एक्टिव होती हैं कि एक जो IgE जो एंटीबॉडी है वो पाई जाती है आपकी बॉडी में, कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ई जो होता है वो खासतौर से किसके लिए होता है, एलर्जी के लिए होता है। एंटीबॉडी ई क्या करती है, इस प्रकार से एलर्जी के जो कण हैं उसको पकड़ता है, और पीछे वाला जो पार्ट है टैल वाला, इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर होता है, मास्ट सेल जो कोशिकाएँ हैं, ये है मास्ट सेल कोशिका, इसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, और ये यहाँ पे आके इस प्रकार से बाइंड होते किसको लेकर, जो एलर्जी के कण बाहर से आए हैं ये वाले, ये क्या है, एलर्जिक जो कण है वो है ये, इनको लेकर अपने रिसेप्टर पे आते हैं, ये क्या है, रिसेप्टर है। तो विटामिन मतलब अपन कह सकते हैं एंटीबॉडी ई के जो रिसेप्टर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। बेसोफिल सेल्स के ऊपर जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, अगर सिग्नल देता है, सिग्नल देते ही इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सभी फट जाते हैं, डीग्रेन्यूलेशन कहते हैं, उसके कारण से कुछ कण जो हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, कण बाहर निकलते हैं। और ये जो कण होते हैं, केमिकल जो होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हिस्टामाइन्स। तो हिस्टामाइन्स वो रिलीज किए जाते हैं खासतौर से बेसोफिल सेल और मास्ट बेसोफिल सेल और मास्ट सेल के द्वारा एलर्जी कंडीशन होने के कारण से। इसका मतलब ये एंटीकोगुलेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। सेरोटोनिन अगर आप देखोगे कि सेरोटोनिन क्या है, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर बनता है, आपके ब्रेन को सिग्नल देता है ब्रेन के, तो ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर आपके नर्व सिस्टम को सिग्नल देने का काम करता है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर जो एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ए और बी। तो इसका राइट कौन सा आ जाएगा, ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर होगा इसका सी। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज विशेष डे था अपना टीचर्स डे का, इसलिए पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ सभी टॉपिक सभी क्वेश्चंस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का अपना वीडियो, सभी टॉपिक्स कैसे क्लियर हुए आपके, आप लोग अपने कमेंट देके जरूर जाइए ताकि मुझे अगला टॉपिक के लिए मोटिवेशन मिल सके। और एक बार आपको सभी को वापस से हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू गाइज़।